धार से महागठबंधन की ओर से एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी देवी, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेव और अशोक पांडे ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान विधानसभा में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो एमएलसी चुनाव के लिए आज 3 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए 9 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख है निर्धारित की गई है। तो इन नामांकन के बाद प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का विचारधारा जो एक सामाजिक न्याय का विचारधारा है, सामाजिक न्याय के पुरोधा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका विचारधारा गांव गांव तक, नौजवानों तक, हमारी बहनों तक, गरीब गुरबों तक कैसे पहुंचे, मैं उसके लिए काम करता रहा, आगे काम करता रहा। लोगों के लिए सबसे पहले हमारे नेता का जो ये है ऐलान है कि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाना, युवाओं के जो भी मसाइल होंगे, जो भी समस्या होगी, उसके लिए मैं लगातार नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर सड़क पर संघर्ष करता रहा। अब सदन में भी इसके लिए लड़ूंगा, अपने युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए। मैं पूरे बिहार से आता हूं, एक जिला से नहीं हूं मैं, मुझे पूरे बिहार के उन तमाम लोगों ने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, मेरी लड़ाई में मेरा साथ दिया। यही नहीं, वैसे हजारों और लाखों लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे लिए रोजे रखे हैं, मेरे लिए न जाने कौन कौन सी मन्नतें मांगी है। मैं उन तमाम लोगों को आपके माध्यम से शुक्रिया अदा। हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। टोपी लगाने के लिए कौन बोला? हम अपना शौक श्रद्धा, अच्छा, हमें इस कलर को पहले से मैं पसंद करती हूँ। सुजीत, मेरा शौक और हरियाली रंगा, हरियाली लाने का काम करेंगे। बीजेपी रंग जानते हैं ना, हर बात उनका झूठाई नजर आ रहा है। वो कहते थे कि गाय का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, तो गाय का बेटा कुछ गरीब गाय सोचेंगे ना, गाय की ओर से क्या बीतता है। संदेश तो ये देंगे, जैसे कपड़ा धो धो के गंदगी साफ कर देंगे, पटक पटक के साफ कर देंगे, हटाने का काम करेंगे। हाँ, बार कार्यकर्ता को टिकट मिला है, और जो हमारे विपक्ष लोग कहते थे कि ये MY की पार्टी है, ये ए टू जेड की पार्टी है, और लालू जी ने करके दिखाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ये करके दिखाया, जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है, हम समझते हैं कि एक संदेश जाएगा। सदन में बेरोजगारी मुद्दा रहेगा और किसानों की समस्या रहेगी, खाद है, बहुत समस्या है। जो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि सरकार के हम लोग दुगना कर देंगे, आप देख ही रहे कितना दुगना हो रहा है और कितना संतुष्ट है किसान। हम लोग मुद्दा उठाएंगे, सरकार तो मेरी नहीं है, किसान की समस्या उठाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना ब्यूरो हेड SK राजीव का। राजीव, 3 लोगों ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नहीं देखिए अनुजा, दरअसल में इस वक्त अभी हम बिहार विधानसभा में ही मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर पहले यहां नॉमिनेशन अभी RJD के 3 प्रत्याशियों ने किया, जिसमें कि कारी सोहेब हैं, जो कि RJD में यहां यूथ विंग के वो महासचिव हुआ करते थे। इसके अलावा मुन्नी देवी है, जो कि लालू प्रसाद यादव RJD की वो वर्कर है, और लालू प्रसाद यादव का कपड़ा जो है वो खुद आयरन किया करती थी। और तीसरा जो है वो अशोक पांडे हैं, यानी कि एक तरफ एक माइनॉरिटी, एक अति पिछड़ी जाति और एक सामान्य वर्ग से टिकट देकर लालू प्रसाद यादव ने एक बार यह बताने की कोशिश की है बिहार की सियासत में फिर से कि RJD जो है वह A to Z की पार्टी है, और यही वजह है कि चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो सामान्य जाति हो या फिर अल्पसंख्यक हो, तीनों के उम्मीदवार को उन्होंने विधिवत खड़ा कर दिया। और अब से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव स्वयं भी यहाँ पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जब विधान परिषद में जीत करके जाएंगे तो उसके बाद जनता के लिए काम करेंगे और जनता के मुद्दे को वो उठाएंगे। क्योंकि एक सवाल लगातार मीडिया में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था कि भाई मुन्नी देवी जो कि अशिक्षित महिला है वो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगी विधान परिषद के भीतर, तो आप अगर मुन्नी देवी को सुन रही होंगी तो उन्होंने भी यह कहा कि हरा रंग उनको काफी प्यारा है, वो हरे रंग की टोपी भी लगाई हुई थी, और सदन के भीतर उन्होंने यह भी कहा मुन्नी देवी ने कि वह आम लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। तो आप एक देखिए कि एक अति पिछड़ी महिला जो कि अति पिछड़ी जाति से बिलोंग करती है, वो खुद आयरन करने का काम किया करती थी, और वो अब किस तरीके से मुखर होकर के सामने आती है मीडिया को और यह कहती है कि जनता की समस्याओं
महिलाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, प्रदेश के सबसे बड़े मंदिर में वो उठाने का काम करेंगे। अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लाल प्रसाद यादव ने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश जो है वो की है, और आरजेडी के तीन प्रत्याशी जो है वो विधिवत यहाँ पर नॉमिनेशन किए। राजीव, क्या कह सकते हैं कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है? नहीं देखिए रुझान, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार को उतारा जाता है, जिसकी की लगातार कांग्रेस चर्चा कर रही है, तो फिर ये मुकाबला जो वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 33 वोट की आवश्यकता पड़ती है, और आरजेडी के पास जो है वो मात्र 76 जो है वो उनके पास विधायक हैं। तो अगर तीन विधान परिषद उनके जीत करके जाएंगे तो उसके लिए उनको कम से कम 99 वोट चाहिए। ऐसी स्थिति में वाम दल के सपोर्ट की उनको आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि कल जो संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर जब कल आरजेडी की तरफ से कार्यक्रम किया गया था तो उसमें वाम दल के लोग थे वहां पर, यानी कि वाम दल जो है वो अपना सपोर्ट कर रही है आरजेडी को, और वाम दल के यहाँ पर बड़ी संख्या में नेता भी जो है वो मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वाम दल के विधायकों की संख्या मात्र 14 है, उसके बाद भी संख्या जो है वो बढ़ करके 90 होती है, और 5 अगर आप AIMIM को भी मिला लें तो उसके बाद ही 95 होती है, यानी कि जो फाइट है वो निश्चित तौर पर काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव के विषय में कहा जाता है कि वो राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं और जोर जोर में काफी विश्वास रखते हैं, लिहाजा तीन प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा है, तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से वो गेटिंग सेटिंग करके ही उतारे होंगे ताकि उनके प्रत्याशी जो है उनको हार का सामना न करना पड़े। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो तीन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, और इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। बता दें कि 13 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, और वहीं मतदान 20 जून को होने हैं। बता दें कि विधानसभा के 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। तो विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं, और इस दौरान उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।